सो हेलो एवरी वन, आज हमारा हम सेवेंथ वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर मैं आपको पीवीजीटी ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगी। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे बहुत अच्छे से आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको हमारी वीडियो नंबर फिफ्थ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ट्राइब्स बता दिया था, आप एक बार रिवाइज कर लें यदि आपने नहीं देखा है। देन मैंने आपको एजुकेशनल राइट्स, फिर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स जो भी हैं ये कर लिया था। फिर लेक्चर नंबर सिक्स के अंदर हमने सेंसस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो देखिए, जैसे ट्राइब्स जो होते हैं ना, मान लीजिए ये सबसेट है ट्राइब्स का, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं। अब इनमें से भी हो सकता है, जैसे इनइक्वालिटी होती है ना अमंग पीपल्स, वैसे ही ट्राइबल्स के अंदर भी इनइक्वालिटी होती है। ट्राइबल्स भी कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल स्टेज में होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। तो उन्हीं ट्राइबल्स के जो नॉलेज है, क्योंकि देख पहली बात तो आप ये बताइए कि ट्राइबल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बिकॉज उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वो लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनके पास जड़ी बूटियों का और भी बहुत सारा उनके पास नॉलेज है। तो हम उनके नॉलेज का यूज़ करके हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन उनका यूज़ कर सकती है। इसीलिए जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है कि इन जो ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इन्हें एकदम सेफ करके रखें, करके रख सकें। इसीलिए जो ट्राइबल्स की भी क्रिटिकल स्टेज में जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए एक नया कैटेगरी निकाला है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप्स। अब इन ये ग्रुप्स थोड़े ज़्यादा ही बैकवर्ड होते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन या स्टेग्नेंट होती है रहती है। इसीलिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं या जो भी ट्राइबल डेवलपमेंटल फंड्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है, उसका बेनिफिट इन स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी मिल सके। नहीं तो होता क्या है कि जो मान लीजिए ट्राइब्स है ना, अब जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ ओबीसी का, है ना। जो ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि जो वेल्ड ऑफ ट्राइब्स हैं या वेल्ड ऑफ ओबीसी वाले लोग हैं उनको उसका बेनिफिट ना लेके जो बैकवर्ड क्लास है ओबीसी में उनको मिले, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे ही ट्राइब्स में भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं या ट्राइबल डेवलपमेंटल फंड्स हैं वो इन ट्राइबल ग्रुप्स तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल अमंग ट्राइबल ग्रुप्स। ड्यू टू दिस फैक्टर मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइब्स टेक देयर एडवांटेज ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंटल फंड, बिकॉज ऑफ विच पीवीजीटी नीड मोर फंड डायरेक्टेड फॉर देयर डेवलपमेंट। इन 1965-75 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 52 ट्राइबल ग्रुप एज पीवीजीटी ट्राइब। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट लाइन के अंदर तो ये बोला है कि क्योंकि वो कुछ कुछ ट्राइब्स होते हैं जो काफ़ी डेवलप होते हैं, तो वो इन जो ट्राइबल डेवलपमेंटल फंड्स या स्कीम्स है उसका बेनिफिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं वो एक तरह से रह जाते हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इन वल्नरेबल ट्राइब्स को भी मिले, इसलिए गवर्नमेंट ये कैटेगरी लेके आती है। आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो 1975 के अंदर गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम नोटिफाई किया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि नियरली 52 ट्राइबल ग्रुप्स को फर्स्ट टाइम नोटिफाई किया था, ठीक है। फिर देवभर कमीशन ने भी पीवीजीटी ग्रुप को बनाने की बात की थी इन 1973। मतलब देखो, सबसे पहले ये जो कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन आती है, उन्होंने बोला कि ऐसे पीवीजीटी ग्रुप बनाने चाहिए। फाइनली 1975 के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 52 ट्राइब्स को डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। इन 1993 23 ग्रुप्स वर एडेड टू द लिस्ट, हिंस टोटल 75 पीवीटीजी ट्राइब्स हैं आउट ऑफ 705 ट्राइबल, ठीक है। उड़ीसा में हाईएस्ट है, ये चीज याद रखनी है। इन 2006 गवर्नमेंट रीनेम्ड पीवीजी ग्रुप एज पीवीटीजी ग्रुप। ये समझ में आना, देखो यहाँ पे आपको, अच्छा ये हम पूरा और पढ़ लेते हैं। इन 2020 उड़ीसा गवर्नमेंट फर्दर आइडेंटिफाई 888 विलेजेस इनहेबिटेड बाय द पीवीजीटी। PVGT are spread over 18 states and one union territory as per the census 2011. देखो अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस स्लाइड के अंदर, मैं आपको अच्छे से रेड पेन से मार्क करके दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, सबसे पहला कि कौन सी कमीशन थी, तो ये थी देवभर कमीशन, ठीक। फर्स्ट टाइम ये कब फॉर्म हुई थी, 1973 के अंदर। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने कब नोटिफाई किया था, 1975 के अंदर, कितनी ट्राइब्स, 52 ट्राइब्स, ठीक। जो फर्स्ट नेम था वो क्या था, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप,
नाम कब चेंज होता है, 1993 के अंदर नेम चेंज होता है, सॉरी 2006 के अंदर, है ना, 2006 के अंदर नेम चेंज होता है पीबीजीटी में, ठीक। फिर टोटल कितनी है इंडिया में, 75 है आउट ऑफ 706 ट्राइबल्स। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कितनी है, 13 है, ठीक है। और कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, तो इट इज स्प्रेड ओवर 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, फाइन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्राइटेरिया होता है पीबीजीटी ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने का। तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये चार क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला, या तो उनकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो या डिक्लाइनिंग हो। यदि पॉपुलेशन स्टैग्नेंट होगी, डिक्लाइनिंग होगी, तब भी उसे हम पीबीजीटी नहीं बोलेंगे। चारों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। या टेक्नोलॉजी उनकी प्री एग्रीकल्चर लेवल की हो, लिटरेसी काफ़ी कम हो, और इकोनॉमी उनकी सब्सटेंस से, मतलब वो जितना उगाते हैं उतना ही उनके कंजप्शन में यूज हो जाता है। तो ये चार कैटेगरी भी मीट होती है तभी उसे पीबीजीटी ग्रुप कहा जाता है। फाइन, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आता है, देर आर सो मैनी स्कीम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीवीजीटी ग्रुप, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो एक है डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी है, इसके अंदर ये है कि अंडर द स्कीम कंजर्वेशन कम डेवलपमेंटल एनुअल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट्स एंड यूटी फॉर पीवीजीटी बेस्ड ऑन द नीड असेसमेंट विच कैन बी देन अप्रेज्ड एंड अप्रूव्ड बाय प्रोजेक्ट अप्रेसल कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान दिया जाता है। कौन लॉन्च करता है, स्टेट और यूटी लॉन्च करता है। फिर आता है जीवन संपर्क प्रोजेक्ट। अब जीवन संपर्क प्रोजेक्ट उड़ीसा का है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो फॉर वल्नरेबल एंड इट इज एसोसिएटेड विद यूनिसेफ। इट एम्स टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीवीजीटी ग्रुप for the various developmental initiatives of the government. The focus of the area are skill development, empowering communities, corporation, innovation among the group, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दो schemes की अभी तक हम बात कर चुके हैं, एक है development के लिए, एक है जीवन संपर्क project जो उड़ीसा का है, जिसके अंदर government क्या करी है, awareness generate करती है, ठीक है। तो आप इसे mention कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया दिस आर द सेम क्राइटेरियाज जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी। ये चारों क्राइटेरियाज का कंसिडर किया जाता है फॉर डिक्लेयरिंग एनी ट्राइब्स एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स। देन जैसे मैंने आपको स्कीम्स ये बता दी, क्राइटेरिया हो चुका है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट बस इतना ही था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने स्टेट्स के अंदर है, तो 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। कब नोटिफाई किया गया था, 1975 में। कौन सी 1975 के अंदर कितनी, 52 को रिकमेंड किया गया था। कौन सी कमिटी थी, तो दियेबर कमिटी थी। सबसे ज्यादा कहाँ पे, उड़ीसा में है। देन आपको ध्यान रखना है कि कब ग्रुप उसका नाम चेंज हुआ था, 2006 में चेंज हुआ था, और 1993 के अंदर और ट्राइबल ग्रुप्स को नोटिफाई किया था एज अ ट्राइबल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और फाइनली कितनी हो जाती है, 75। फाइन, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। हम आगे और भी लेके आएंगे वीडियोज़। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।